तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनानी होगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद की 7 फोटोज़ रेडी करके रख देनी है, और उसके बाद एक यहाँ पर आपको खुद का एक वीडियो भी रेडी करके रख देना है। जो भी वीडियो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर उसका ड्यूरेशन मिनिमम 5 सेकेंड का होना चाहिए। 5 सेकेंड से ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा, उसे आप कट कर सकते हो। और मोस्टली अगर ये जो वीडियो आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करने वाले हो अगर वो स्लो मोशन वाला रहेगा तो वो और भी अच्छा और इफेक्टिव रहेगा। तो 7 फोटोज़ और एक वीडियो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अब स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी ऊपर एक फोटो और वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तो वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आपको आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वीडियो रखा होगा उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वीडियो रहेगा, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सेम आपको फोटो पे जाना है और उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पर आपने फोटोज़ रखे, और यहाँ पर अभी आपको टोटल 7 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको सिर्फ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है, जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल आपको इस तरीके से 7 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। 7 फोटोज़ रेडी हो जाने के बाद, सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशियो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एक स्पीकर का आइकॉन दिखेगा जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करके स्पीकर के आइकॉन को आपको इस तरीके से म्यूट कर देना है। इसके बाद हर एक फोटो को मैन्युअली चेक करना है। जैसे अभी इस फोटो को चेक करना है, सबसे पहले आप जैसे भी फोटो को जूम करते हो दो उंगलियों की मदद से, वैसे यहाँ पर आके थोड़ा सा इसे जूम करना है ताकि आपको एडिट करने के लिए स्पेस मिल जाए। फिर हर एक फोटो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ऊपर आके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो जूम इन जूम आउट करके। आपको सिर्फ देखना है कि 9:16 के फ्रेम में ये परफेक्टली एडजस्ट हो जाए। वैसे हर एक फोटो को आपको मैन्युअली यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। अगर आपके ऑलरेडी एडजस्ट हो रहे होंगे तो फिर आपको कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे फोटोज़ को एडजस्ट करके ले लिया है। तो इतना हो जाने के बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आपको कुछ इस तरीके से चले आना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक म्यूजिक का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर इस जो ट्रेंड है इसके लिए एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस वीडियो का जो बैकग्राउंड ऑडियो है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज़ का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाएंगे, वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 करना है, फेड इन फेड आउट आपको 0 ही रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 7 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बताया था। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 4.70, तो यहाँ पर 4.70 आने तक आपको इसे इस तरीके से मूव करना है, और जिस पॉइंट पे 4.70 आ जाएगा उस पॉइंट पे आके रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 4.70 आ चुका है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना। आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बीट है वो ऐड हो चुकी है। तो बचे हुए बाकी की 6 बीट भी आपको ऐसे ही ऐड करनी है। बचे हुए 6 बीट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर दूंगा, उस हिसाब से आपको सारे बीट्स को यहाँ पर ऐड करके ले लेना है। सारे बीट्स ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 7 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑडियो का बार है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है। तो आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो और वीडियो को यहाँ पर एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे जो वीडियो का बार दिख रहा है उसे उसी पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसी पॉइंट पे उसे स्प्लिट करना है। यहाँ पर वीडियो के 2 हिस्से हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है इसे सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर देना है। फिर सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करके आपको सेकेंड जो फोटो है उसे उस पॉइंट तक इस तरीके से ड्रैग करना है। फिर थर्ड लाइन को सिलेक्ट करके थर्ड फोटो को ड्रैग करना है। ऐसे आपको हर एक फोटो को हर एक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर
एडजस्ट करके ले लेना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो सारे फोटोज आपके यहाँ पर एडजस्ट परफेक्टली हो जाएंगे, आप देख सकते हो। लेकिन लास्ट वाले फोटो के लिए आपको ऊपर कोई वर्टिकल लाइन शो नहीं हो रही, तो आपको करना है कि ऑडियो का बाद जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो को इस तरीके से ड्रैग करके ले लेना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। जो फर्स्ट आपने वीडियो ऐड किया उसके बाद जो आपका फर्स्ट फोटो रहेगा, तो इस फर्स्ट फोटो के बार को सिलेक्ट करना है, नीचे एफएक्स वाले ऑप्शन पर जाना है। अभी यहाँ पर ये वाइट वर्टिकल लाइन जो दिख रही है इसे आपको फोटो के एकदम स्टार्टिंग पर कुछ इस तरीके से लेकर आना है। इसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें एक जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पर आना है। जो फर्स्ट वीडियो का बार आपने ऐड किया है उसके मतलब उस वीडियो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एफएक्स पे जाना है। अभी सारे इफेक्ट को आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको स्टार्टिंग पे एक नन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। बस इतना हो जाने के बाद अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ एक जो ट्रेनिंग रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बना हुआ वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप इजीली इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।